गाइस कैसे हो सभी लोग। आज हम फिर से खेले जा रहे हैं GTA 5। लास्ट टाइम हमने एक चैलेंज कंप्लीट किया था जिसके बाद हमें ढेर सारे पैसे मिले थे, लेकिन इस बार हम कोई चैलेंज कंप्लीट करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यार इस बार हम लोग जा रहे हैं सीधा नहाने, वो भी डैम वाली साइड पर। हमारे घर के साथ जो डैम है बड़े वाला, उसी साइड पर मैं जा रहा हूँ। सिंचन बिंचन मुझे लगता है ऑलरेडी वहीं पर है, मुझे भी वहीं पर जाकर नहाना चाहिए। काफ़ी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, मुझे जल्दी से जाना है नहाना है। उसके बाद मुझे जाना है सीधा पैसे लेने। जो लास्ट वाले एपिसोड में हमें ढेर सारे पैसे मिले थे ना, वो मैंने सिमोन को दे दिए थे, और सिमोन ने कहा था कि 2 दिन के बाद मुझसे ले लेना। तो आज टाइम आ चुका है सिमोन से पैसे लेने का। फटाफट चलते हैं सीधा डैम वाली साइड पर, और वहां पर मैं नहाऊंगा घूमूंगा फिरूंगा, उसके बाद मैं सीधा जाऊंगा सिमोन के पास और उससे पैसे लेकर आऊंगा। फिलहाल यार मुझे जल्दी से जाना है। वैसे सिंचन पिंचन गए तो हुए हैं, मुझे लगता है वो किसी और जगह पर जा चुके हैं, क्योंकि वो ना इस जगह पर नहीं आते, उन लोगों को ना डर लगता है इस साइड पर, इसलिए मुझे ना अकेला जाना पड़ेगा और यहीं पर मुझे अकेला नहाना है। और नहाने के बाद मुझे फटाफट जाना है जहाँ पर सिमोन रहता है, क्योंकि आज वाली एपिसोड काफ़ी लंबी होने वाली है, इसलिए मुझे फटाफट बाइक को इधर ही रोकना है। जाकर पहले तो यार फिशिंग करते हैं, यानी कि काफ़ी अरसा हो चुका है हमने कोई फिशिंग वगैरह का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया, इसलिए आज तो हम लोग फिशिंग करते हैं और साथ में बहुत मौज मस्ती भी करने वाले हैं। अबे आजा सीधा हाथ में आ जाए, यानी कि इस तार के अंदर एक फिश आ जाए, उसके बाद इधर ही पका कर खाएंगे, यानी कि इधर ही भूनेंगे उसको और इधर ही हम लोग खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती आज करेंगे। उसके बाद हमें एक काम करना है और उसको करने के बाद हम लोग फ्री हैं, यानी कि हम लोग लॉस सैंटोस में अपने लिए घर खरीद सकते हैं और साथ में और भी कुछ कर सकते हैं, जैसा कि अरे ये कौन है, अबे तेरी भैंस की टांग, अबे इसने क्या कर दिया यार, पीछे से आकर मार दिया। लेकिन 1 सेकंड नीचे क्या पड़ा हुआ है, 1 सेकंड मुझे आराम से नीचे की तरफ जाना है। पीछे देखो यार ये रहा बैग ब्लैक कलर का, फटाफट इसको उठा लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं बाइक की तरफ, उसके बाद उसको बताएंगे जिसने पीछे से आकर मुझे डंडा मारा। इसकी भैंस की टांग यार, मुझे आकर डंडा मारकर भाग गया, पता नहीं था कौन, मुझे तो लग रहा था कि वीरोन है, तो मुझे उसको पकड़ना चाहिए। 1 2 3 को बैग मैंने उठा लिया है, अब चलते हैं भाई की तरफ, उसको जाकर देखते हैं कि कहां पर है। उसकी तो आज भैंस की टांग, मैं तो फिशिंग कर रहा था, पीछे से आकर मुझे बैट मार दिया और देन मैं पटक कर नीचे पानी में जाकर गिरा। लेकिन 1 सेकंड वो पता नहीं कहां पर चल गया, मुझे डंडा मारकर भाग गया। चलो यार कोई बात नहीं, मुझे ना जल्दी से अपने घर की तरफ जाना है और जाकर ये वाला बैग ओपन करना है। ओपन करने के बाद तुम लोगों को क्या लगता है इस बैग के अंदर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताना। सीधा मैं घर की तरफ पहुंच चुका हूं और यहीं से मुझे नीचे की तरफ जाना है। वैसे सिंचन पिंचन पता नहीं कहां पर है, नहाने वाली साइड पर थे नहीं, पता नहीं कहां पर चले गए। मुझे ना बैग को इधर, 1 सेकंड ये रहे सिंचन पिंचन। अबे तुम दोनों कहां पर चले गए थे, मैंने सोचा कि तुम दोनों ना डैम वाली साइड पर नहा रहे हो, इसलिए मैं गया, लेकिन तुम लोग वहां पर थे नहीं, इसलिए मुझे ना चुपचाप करके मैं वापस चला आया। लेकिन मुझे एक बैग मिला है, इसको ना अभी खोलते हैं और देखते हैं इसके अंदर है क्या चीज। इसके लिए ना मुझे ना किसने बैट मारा था, और फटाफट इसको ओपन कर लिया मैंने। लेकिन इसके अंदर तो स्मोक निकल रहा है यार, पिंक कलर का। अबे तुम दोनों ना पीछे से हट जाओ, चौप तुम भी साइड पर हट जाओ, मैं ना सुकून से बैठकर इसको ओपन करने वाला हूँ। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद देखना गाइस इसके अंदर से पता नहीं क्या ओपन होने वाला है। अबे ओपन हो गया, अबे यार खैब भी हो गया, ऑटोमेटिक बैग भी खैब हो गया, पता नहीं क्या सीन हुआ। फटाफट क्या करना चाहिए गाइस, कैसे, 1 सेकंड ओ भाई साहब, ये जैसे इस गमले को हाथ लगाया, यानी कि यहाँ पर एक प्लांट पड़ा हुआ था उसको हाथ लगाया, वो गोल्डन कलर का हो गया। ओ भाई कितना सारा गोल्ड इकट्ठा हो चुका है, इसका मतलब है कि मेरे पास गोल्डन पावर आ चुकी है, और इस गोल्डन पावर को मैं कैसे यूज करूंगा तुम लोगों ने फटाफट कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। लेकिन फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कैसा करूँ यार सारी चीज़ों को गोल्डन कलर में। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक टेबल पड़ी हुई है, टेबल के साथ यहाँ पर ढेर सारी चेयर पड़ी हुई हैं। सारी चीज़ों को अगर मैं हाथ लगाने लग जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और हाथ लगाना है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाना है, उसके बाद वो चीज़ गोल्डन कलर की हो जाएगी। इसलिए मुझे अपने घर के अंदर जाना है, अपनी सारी चीज़ों को देखना है कि आखिर मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को हाथ लगाने के बाद उसके बाद डिसाइड करना है कि मेरे पास कितना सारा गोल्ड इकट्ठा हो सकता है। यहाँ पर देखो 2 चेयर है, यहाँ पर भी 2 सेट आएंगे गोल्ड के, यहाँ पर भी 2 आएंगे, यहाँ भी ढेर सारी चेयर पड़ी हुई है बैठने के लिए और लेटने के लिए, टेबल वगैरह भी पड़ी हुई है, यहाँ पर भी ढेर सारे प्लांट हैं, तो इसका मतलब है मेरे पास ढेर सारा गोल्ड इकट्ठा होने वाला है। और इसके साथ यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं,
चलो इसको गाइस फटाफट निकलते हैं। यहाँ पर ड्रेसिंग वाली साइड पर कुछ पड़ा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं और यहाँ पर टेबल वगैरह पड़ी हुई है, इसको भी हम हाथ लगा सकते हैं। फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं और वहां पर भी जाकर चेक करते हैं आखिर हमारे पास कितनी चीजें कलेक्ट होने वाली हैं, यानी कि कितना गोल्ड आज हमारे पास आने वाला है। 1 2 3 को यहाँ पर भी ढेर सारी चेयर पड़ी हुई है। ओके ठीक है गाइज, आज तो काफी टाइम हो चुका है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली एपिसोड में। तब तक के लिए तुम लोगों ने कमेंट करके बताना है कि हम लोगों ने अपने लिए कौन सा घर खरीदना चाहिए, मेंशन वाला या फिर आम सा घर खरीदना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बता देना।